हाय बोलो तो सबको बेटा, हाथ जोड़ के प्रणाम करो ना। वाह, अब बाय कर दो। गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? काफी टाइम हो गया ना ब्लॉगिंग किए हुए, बस इसी में टाइम लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा दुबला हो गया है, ये खाता नहीं है, बहुत ही ज्यादा बदमाशी करता है। बिट्टू लड्डू इधर देखो, कितना ज्यादा दुबला हो गया है ना, देखिए। काफी तबीयत खराब रहती है इसकी, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ इसको होता ही रहता है, तो बस इसी पे ध्यान। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा दुबला हो गया है, बट ये चलने लगा है अब अपने पैरों पे, देख सकते हैं ये देखिए। तो इसी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ये खाना भी नहीं खाता है अपने से, तो थोड़ा सा अभी लाड प्यार 1.5 साल हो गया है, बट खाना खाने में इतनी नखरे शायद ही कोई बच्चा करता होगा जितना नखरा ये करता है। मतलब कुछ भी खिलाओ नहीं खाना है, सिर्फ दूध पीना है, वो भी माँ का दूध, बाहर का दूध तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इसी में टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। और बट डोंट वरी, ब्लॉगिंग मैं फिर से कंटिन्यू करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा ठीक हो गया है, चलने भी लगा है, तो मैंने सोचा चलो कंटिन्यू करते हैं। और आप यहाँ पे मेरा सूटकेस देख सकते हैं, अभी सोच रहे होंगे किधर जा रही हूँ। क्या वो उठाना है? सारा तकिए को ये नीचे फेंक दिया है, अभी और उठाना ही है। उठा, हाँ उठा, हाँ हाँ ला ला ला, इसको सारा तकिया जो दिख रहा है ना आप लोगों को, सब ये नीचे फेंकेगा, फिर नीचे से ऊपर लाएगा, बस इसका यही काम है और कुछ नहीं। तो मैं कहाँ थी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ, ये तो मैं आप लोगों को बस तुरंत बता दूंगी तो पूरा ब्लॉग कैसे देखेंगे आप लोग, पूरा ब्लॉग आप लोग देखते नहीं है। क्या करना है बोलो, हाँ तो मैं कहाँ थी, पूरा ब्लॉग देखा करिए यार, पूरा ब्लॉग देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, होता है कुछ पॉइंट भी मिस हो जाते हैं, और हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग पूरा ब्लॉग नहीं देखते हैं, वीडियो रुक जाता है और बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आने लगे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी मैं कहीं जा रही हूँ, और बट उसी लिए आप देख सकते हैं मेरा आईब्रो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो मार्केट से कुछ काम भी है और साथ ही आईब्रो भी बनवाने चलते हैं। इसके लिए गर्मियां बहुत चल रही है तो इसके लिए टोपी लेना है, तो चलिए आप लोगों को भी मैं मार्केट लेके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने और भी थोड़ा बहुत सामान बचा था जो मैंने पैकिंग कर ली है, और ये आईब्रो भी बनवा लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे पतला हो गया ना, थोड़ा सा थीन बना दी है, बट कोई नहीं, अपनी खेती है, घर की खेती है, फिर से हो जाएगी। तो मैं कहाँ थी, हाँ आप लोगों को बताना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उससे पहले आप लोगों को जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब क्या बताएं, क्योंकि मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी। जी हाँ, जय माता दी। वैष्णो देवी की यात्रा पे बहुत मन था कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ, बहुत सालों से, मतलब शादी से पहले से ही था, और ये अचानक प्रोग्राम बना, ओनली 1 मंथ भी नहीं कर सकते हैं, बस प्लान बना, टिकट हुआ, इतने जल्दी टिकट भी नहीं मिलता, बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों ने टिकट भी किया, बस प्लान बना और बस माता की कृपा से माता का बुलावा आ गया और हम लोग जा रहे हैं माता को, माता के दर्शन करने वैष्णो देवी। कौन कौन जा रहे हैं, मैं, मम्मी और मम्मी, अभी बोल रहे हो मम्मी मम्मी, मैं बताती हूँ, मैं और सासू माँ और मेरी मम्मी
बाकी सब लोगों को भी हमने बोला, बट उन लोग तैयार नहीं हुए कि आप लोग होके आओ फिर कभी चलेंगे, टाइम नहीं है, क्योंकि अचानक प्रोग्राम बनाना तो बस टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था सबके लिए। कोई नहीं, उन लोग का और कभी प्रोग्राम बनेगा तो हम लोग चलेंगे, बट इस बार तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब क्या बताएं, अल्फाज नहीं निकल रहे हैं कि इतना, इतने सालों से सपना था बचपन से ही, जब मैं सबको देखती थी ना वैष्णो देवी जा, काश मैं भी जाती, तो वो पूरा हो रहा है, और वो भी स्पेशल डे पे। मैं बताऊंगी क्या है वो, मतलब, और वो, चलिए तो मैं आप लोगों को डिटेल बताती हूँ। कल हम लोग निकलने वाले हैं, कल मम्मी सुबह सुबह ही आ जाएगी, और बस कल से, कल हम लोगों का ट्रेन है, हम तीनों जा रहे हैं। रास्ते में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे पतिदेव, और वहाँ से हम लोग वैष्णो देवी निकलेंगे। तो बाकी सारे ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा बाकी डिटेल। अभी के लिए बस इतना ही, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें, वैष्णो देवी की यात्रा पर हम लोग जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ डिजिटल यात्रा घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, जय माता दी।